अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अजाज इनसाइट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जो ये आप लोगों को तैयारी नज़र आ रही है, और ये तैयारी है हमारा अचानक से सडन पिकनिक का प्लान बना है, और हम लोग जा रहे हैं बीच पे नाश्ता करने। आज है संडे, और संडे का नाश्ता और सनसेट हम देखेंगे बीच पे। और अभी जो टाइम हुआ है, टाइम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, 5 बजे हैं पूरे, और फजर की नमाज़ पढ़ी हमने, और अब हम निकल रहे हैं। शहीर साहब, ये सामान कौन उठाएगा? सलाम कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। उमर, आप भी सलाम कर लीजिए। हाय। सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं, और अब हम चल रहे हैं गाड़ी में बैठने, और आइए चलते हैं और व्लॉग को एंजॉय कीजिए। चलिए चलिए चलिए, शहीर सामान उठाइए बेटे। ये हमारी जिम्मेदारी। जी जी बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी है। ये देखें आप। ओह माय गॉड। ओके जी, चले जी, एंजॉय। बस यहाँ से हम निकल चुके हैं अपने घर की घर से। इस वक्त 5:15-5:30 का टाइम हो रहा है, और 3 से 4 गाड़ियाँ हम अपने घर से हमारे गई थी। और क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है वहीं पे हम काफ़ी सारे हमारे कज़न्स और फैमिली के लोग रहते हैं। बाकी एक कज़न ने हमें रास्ते से ज्वाइन किया था, तो ये काफ़िला जो है ना आगे बढ़ता गया, और काफ़िला जूँ जूँ आगे बढ़ते गए काफ़िला बनता गया, वो वाली सूरत हाल थी। तो बस देखें वहाँ पे कितने बजे पहुँचते, क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड पे आपको पता है अभी लॉकडाउन खुला है, तो बहुत रश है इन तमाम प्लेसेस पे, चाहे वो मार्केट मॉल्स हो, मार्केट्स हो, कहीं पे भी बहुत रश होता है। तो वहाँ जाएंगे रस्ते में, फिर पता चलेगा कि क्या ट्रैफिक है। लेकिन ये कि मौसम बहुत खूबसूरत है, और अब देखते हैं आगे की सूरत हाल क्या होती है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सेंसपिट, और सेंसपिट का ये साहिल है, थोड़ा स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने रोक लिया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे आगे, आप व्लॉग में देखिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा आपको, और अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्जॉय द व्लॉग। और हम पहुँच चुके हैं हॉक्स पे, बहुत रश है, कराची की आवाम जो है आज इतना रश है हॉक पे, बिल्कुल ठीक है, इतना रश है आज जाना, पूरी आवाम उड़ गई है समंदर के ऊपर, बहुत रश है। लेकिन मौसम बहुत हसीन हुआ है, इतनी प्यारी हवा चल रही है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हवा यार, बड़ी प्यारी यार। लेकिन बस धूप ना निकले, दुआ करो। चलते हैं साहिल की तरफ। आइए, बहुत ही बेकार सा कोई ये रास्ता है, और यहाँ से तो हम उतर भी नहीं सकते। अब हम जाएंगे आगे, सनी भाई हमें लेकर आए यहाँ पे, इंतहा से ज़्यादा बेकार जगह पर। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर साहिल पे उतरेंगे, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, यहाँ से तो हम उतर ही नहीं सकते। ये हम साहिल चेंज करके आए हैं, और इतना ज़बरदस्त स्मूथ और साफ़ सुथरा साहिल है ये, बहुत ज़बरदस्त। और हाय, मौसम देखें, मौसम इतना प्यारा हुआ है, लेकिन रश है साहिल पे, रश है काफ़ी ज़्यादा। कराची की आवाम अब लॉकडाउन से तंग आ चुकी है, ये लास्ट वीक तक बंद था सब कुछ, अभी इस वीक ही खुला है। तो आपको पता है आवाम को घूमने फिरने का मौका चाहिए, लेकिन अच्छा साहिल है, साफ़ सुथरा है। वहाँ जो हम पहले गए थे वहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे,
इतना भी नहीं था उतरने की जगह हो, तो बस जी इंजॉय हो रहा है, मज़ेदार मौसम है। सुबह के 7 बज रहे हैं, हम 5 बजे घर से निकले थे 5:30, और पहुँचते पहुँचते ये टाइम हो गया। ट्रैफिक, ओह माय गॉड, आपको गीला नहीं होना है क्या यार? जो साहिल समंदर का सुकून है ना, वो अपना ही सुकून है यार। इस समंदर की जाना जगह कोई नहीं ले सकता, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन जो इसका सुकून है, मज़ेदार, वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल आए अपने साथ, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, हम पानी में आ गए, उमर साहब अपने बाबा के पास हैं, वो बैठे हुए। बेटा किस किस को व्लॉग में आना है, आ जाओ जल्दी से जल्दी बता, हाय कर दो नेहा, ये बच्चे मेरे प्यारे प्यारे से कजन्स के साथ, और बहन है मेरी, दो कजन्स हैं उनके साथ, फैमिली के साथ प्रोग्राम बना था, बड़ा सडन प्लान बना ये, सुबह नाश्ता करना है बीच पे और बस। लेकिन क्योंकि मौसम इतना हसीन है, इतना हसीन मौसम है, लिटरली बहुत हसीन मौसम है कि मज़ा आ गया वाकई, धूप में मज़ा नहीं आता। हाँ जी, और ये मेरे ब्लॉग में जाने वाला है, क्लिप जाएगा। ये है, ये मेरी कजन थी और खाला साहब बहन है मेरी, बड़ा प्यारा मौसम है। ये सारा साहिल आप ये देखें, ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है, मौसम भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मज़ेदार मौसम है। ओमी पानी में चले, चलो 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 आओ ना ओमी, आपको डर तो नहीं लग रहा पानी में? लेकिन आप भी वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जाऊँगा पानी में। यार इतना हसीन मौसम हो रहा है, नाश्ता करके हम लोग फारे हो चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली नाश्ते में इतना बिजी हुए कि नाश्ते का क्लिप बनाना भूल गए जी। क्या हुआ, मलीहा और शहीर जो है ऊँट की राइड ले रहे हैं लोग, समंदर बहुत रफ हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा रफ हुआ हुआ है इस टाइम पे, मतलब हम कहाँ थे और अब हम साहिल पे बैठ चुके हैं, और इतना रश है, सब ऑलमोस्ट साहिल पे ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर पे, रश बहुत है भाई आज, जो है ना पूरा कराची सेंस फिट आ गया है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। अच्छा ऊँट वाला भी ना बिल्कुल साहिल ही साहिल पे इधर ही उधर बस छोटे छोटे चक्कर ले रहा है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है पानी, पानी की इतनी तेज़ी है कि उमर साहब तो पानी में जा ही नहीं रहे हैं और मुझे भी नहीं जाने दे रहे हैं। शरीर बेटे हाँ पूरा शरीर को ना वो कर दो ना, और शरीर को यहीं छोड़ के जाएंगे हम लोग, तकिया बनाता तुम्हारे लिए, तकिया नहीं बनता ना यार, शहीद बाबा गाड़ी में नहीं बिठाएंगे तुम्हें,
लेट जाओ शहीर पूरा। ये बच्चे ना सारे शहीर को ना उसमें कर रहे हैं कि ना हम तुम्हें मिट्टी में दबा देंगे। ये देखो ये शहीर की हरकतें देखें आप, दीवाने लड़के की मेरे। शहीद बाबा यहीं छोड़ के जाने वाले हैं आप तुम्हें। अल्लाह जुल्फे तो देखना जरा हीरो। उमर बहुत सता रहा है, लोग कैमरा ड्राइव कर रहे हैं लेकिन बड़ा रह रहा है। चलो स्लीपर पहनो, अबे आज आ जाओ। अच्छा यहाँ पे ना ये कैंप्स बने हुए हैं हट्स के अलावा ना, आप कैंप ले लें तो ये ना 2000 रुपये रेंट पे मिल रहा है, जो कैंप मिल रहा है। अगर किसी को लेना हो तो वो बड़ा इजीली रेंट पे ले सकता है। हमने तो खैर नहीं लिया था क्योंकि हम बहुत थोड़े टाइम के लिए आए थे, तो हमने कैंप नहीं लिया था, हम ऐसे ही। चल रहा है अच्छा, जाते हुए बड़ी थकान हो जाती है, तो बस गाड़ियों में बैठेंगे और रेत ही रेत, रेत ही रेत बस होगी गाड़ी में। ये गुस्सा भी इतना करते हैं कि गाड़ी ख़राब हो जाती है। बस जी कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।